नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी के बीजेपी में संतोष शेट्टी की वापसी। भिवंडी के बीजेपी के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के विधायक महेश चौगले उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संतोष शेट्टी की वापसी और स्वागत किया गया। संतोष शेट्टी और महेश चौगले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भिवंडी से अमृत शर्मा, एसटीएस टाइम्स। समर्थन दिया इसलिए वो आज महापौर है, और अगला आने वाला महापौर भारतीय जनता पार्टी के मन में जो है कुछ बातें पूरी नहीं हो पाई। आज भी इतने सालों से जैसा अन्ना को इतनी ताकत मिली, इतनी वाया मिली है कि अन्ना ने 4 साल काम किया है, तो हमने भी काम किया है। लेकिन हमको क्या मिला आपको सबको मालूम है, हम तो एक जीरो थे, लेकिन ये पार्टी ने सब दिया है। तो ये पार्टी की इतनी आपके कार्यकर्ता की ताकत है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज भी हम भी यही चाहते हैं कि ये पार्टी में कुछ गलत काम ना हो। जैसे अंग्रेज आए, आपस में फूट पाट के 150 साल राज किया, ऐसे कुछ लोग आके आपस में फूट पाट के यहां राज करना चाहते हैं। ये आप समझदार हो, ये ऐसा किसको करने मत हो, क्योंकि ये बहुत गलत है। हम किसी के स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे, अन्ना हो कोई हो, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, हम सब एक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। उनको हमको समझ सिखाना पड़ेगा, हमको उनको बताना पड़ेगा कि कोई पार्टी का काम नहीं, पार्टी का काम है, कोई परिवार का काम नहीं है। सच्चे दिल से करो, आपको लोग सर पे बैठाएंगे, जैसा अन्ना को बैठाया, मुझे बैठाया, हमने तो कुछ नहीं किया गलत, सच्चे दिल से काम किया। आज भी मेरे इधर नगर से हो रहा है, लेकिन मैंने परिवार का कोई नहीं लिया, अपने पार्टी का किया। अपने पार्टी के मैं बैंक में चेयरमैन था, सदस्य था, लेकिन बैंक में 4 लोगों का अपने लोगों को डाला, लेकिन कभी परिवार का हिस्सा नहीं बनाने दिया। क्या हम भी चाहते हैं हमारे परिवार का किधर, मेरे को जाने को अभी बहुत तकलीफ होती है, मैं सब जगह पहुंच नहीं पाता, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य को कैसे भेजूं, उसको कोई पद नहीं, कुछ नहीं। मेरी भी इच्छा है, लेकिन हर आदमी को नहीं। एक हाथ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये पार्टी सही में ये आम आदमी की पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है। तो इसमें कोई आपस में मत बोलो, मैं बोला ना अंग्रेज जैसा काम मत करो कि आपस में फूट डालो और राज करो, क्योंकि हम एक है। मैं बोलता ना इधर सभी, अभी यशवंत भाई बात बोल रहे हैं, मैं अन्ना को की चीज अभी हर्षल ने जो स्टोरी बताई मैं भी बताना चाहता हूँ। यशवंत इतना अच्छा कार्यकर्ता था उस क्षेत्र में, वो चाहे तो 2-3 सीट लेके आ सकता था अकेला घर की, लेकिन फिर भी उसको टिकट नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, कोई वजह नहीं, एक सिर्फ आमी बोलने की बात नहीं है, लेकिन बोल देता हूं, सिर्फ पैर नहीं पड़ता, ये बात हुई, ये कौन सी बात हुई? क्या हम जाके किसी हुजरे के लिए करेंगे क्या? हम कोई पार्टी का जिसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और अन्ना को काम अच्छा करने देने की जरूरत नाम खुद करने वाला ही है। तो इसके लिए मैं यहाँ इतने जिले के लोग है पदाधिकारी, मैं जाते डैम भी सबसे पूछ से गया था, और आया तुमसे पूछ के नहीं कल एक आदमी का महेश चौगले, दूसरा का असल पाटिल, और जितने पार्टी के लोग एक ही बोलते थे कब आ रहे, जिसने महेश चौगले ज्यादा बोलता था। तो पूछ के नहीं आया, माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं संगठन का आपका एक अध्यक्ष हूं, मतलब मैं एक बड़ा भागीदार हूं पद में, तो मेरे से कुछ गलती हुई, आगे आप लोग से गलती नहीं, इसलिए आज ही माफी मांगता हूं, और आगे की मैं मेरा भाषण थोड़ा सुनो। मैं अभी 4 साल मेरे ढंग से काम किया, मुझे 4 साल में सम्मान्य खादर साहब, महेश चौगले जी, संगठन नव मंत्री सतीश धवन, हमारे थाने जिले के नेता रविंदर चौहान, प्रदेश से सभी मेरे महासचिव, उपाध्यक्ष, सभी लोगों ने बहुत अच्छे साथ दिया, और काम भी इतना था कि सभी पत्रकार बंधु सभी लोग बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन कुछ कारण से मेरे भी जोश में था, और ऐसा लगा कि मैं आज चुल के आ जाऊंगा, तो मैं सबका परमिशन लेके, जैसे हंसने बोला, किसी को मैंने टच नहीं किया कि आओ मेरे साथ, ताकि हमारा महेश चौगले बाजी में लड़ा, मेरे गलती की वजह से उसको कौन नहीं होना चाहिए। तो वो दृष्टि से मैं मेरे काम पे लगा, लेकिन वहां जाकर क्या देखा, मैं गया तो इंडिपेंडेंट 8 से 9 हजार लेके
हाथ में झंडा था पीला, अंदर गया फॉर्म भर दिया, फॉर्म भर के जैसी बात और कोई रुको को तुम बाहर मत निकलो, एक भी फॉर्म आया मेरे पास, वो था कांग्रेस का। उधर ही उन्होंने जबरदस्ती भरा, उधर ही मेरा पौती पड़ा, फिर मैंने प्राण प्रदेश पान सब को दिया, वो भी ऊपर देख रहे क्या है कि पुलिस भी देखी, जनता भी देखी, अंदर को गया किसको पता नहीं क्या है, बाहर आया तो गमचा नहीं था कांग्रेस का, तो दूसरा कोई कांग्रेस का लड़का था उससे लिया, फिर डाल के बाहर निकला तो सब पुलिस लोग देख रहे थे किसको क्या हुआ, गया पहले गया लाया थे सब मुझे बोले ये क्यों कर रहे, क्या लफड़ा क्या है, सब खड़े होकर देख रहे, और मैं भाया तो कांग्रेस वाले कोई भी साथ में अकेला ही था, बार बार में फोन किया, अरे बाबा मुझे बी फॉर्म भरा हूँ, क्यों अंदर फोन का अलर्ट नहीं था, सामने दुकान में झंडा था कांग्रेस का, मैं आ बाहर सब गए झंडा ले रहे, जितने पुलिस बोलते थे झंडा क्यों पकड़े, मतलब कंफ्यूजन था, मतलब राजकारण का तो शुरुआत ही था विरासत कंफ्यूजन था, लेकिन कांग्रेस का मैं इलेक्शन लड़ा आगे बढ़ा। मैं एक टाइम सोचता था कि जैसे भाई जी बोला कि हम लोग हिंदी में चुन के आते थे, एक बार राष्ट्रपति चुन के आया कि बीजेपी जाती हुई आकर इसको जाने का ये ठीक लोग नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में उस टाइम जिसके लिए हम लोग काम हम लोग डाल दिए थे, और इसलिए मैं कभी जाता नहीं था, मैं हिंदी में लड़ता था, एक बार एनसी, तीन बार हिंदी में लगा, एक बार एनसी पे लगा, और जब मैं कांग्रेस में गया चार साल बीजेपी में काम किया तो जो जो संगठन ने हमें सिखाया, खाली भारत का जो जय बोलेगा उसका जय बोलेगी, चाहे वो कोई भी समाज करें थे कोई भी जाति करें, और हर अच्छा काम करो जो एक इंसान को चाहिए, जात पात देखो मत। ये पार्टी ने सिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर हम सब चिंती बांधते थे, लेकिन क्यों बांधते थे उसका कारण क्या था, ये भारतीय जनता ने हमको सिखाया, हर साल जैसे अम्बेडकर जयंती आती है हमको संविधान पढ़ाया जाता है, जब मालूम पड़ा क्या ये संविधान जी ने, ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये हमें भारतीय जनता पार्टी, और वही मैं कांग्रेस में गया, ऐसे अनेक कार्यक्रम बताए भारतीय जनता पार्टी ने, एक तक बताया कि आप अगर हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ नहीं आते आप उनके पास जाओ, उनके मोहल्ले में जाओ, उनको चाय पिलाओ, उनको समझाओ, नहीं हम तुम्हारे साथ हूँ, कि उनको भी दिमाग में इतना गलत भर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, उसकी हिंदू करती है जाति नहीं करती, इससे मेरी समझ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा ये साला सबसे जाति वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैंने जब टीका लगाया था, अच्छा नजदीक नजदीक जा रहा था मैं, एक एक मीटिंग में आदमी बोलता बाहर नेता अन्ना ये टीका लगा, टीका दिखा क्यों, अरे मेरे को खराब लगा, मैंने ये क्यों बोल रहे, टीका तो रहेगा और टीका इंग्लिश से लड़के लड़ा।